इमीग्रेशन सेंटर के उत्ते गोलियां चलाई गई ने। दरअसल पहला तो उस नौजवान ने बाहर खड़ के सिगरेट पीती, फिर उस तो बाद अपनी जेब दे विचों उन्हें पिस्तौल कढ़िया अते एक तो बाद एक करके नो फायर उस इमीग्रेशन सेंटर दे उत्ते किए गए ने, जिस दे विच जो सारा ही इमीग्रेशन सेंटर दे बाहर कच लगे हुए थे, शीशे लगे हुए थे, वो सारे ही चकना चूर हो गए ने। घटना कोल ही लगे सीसीटीवी दे विच भी कैद हुई है। तो मामला कुरुक्षेत्र तो सामने आया, जिथे कि पहला तो एक नौजवान ने इमीग्रेशन सेंटर के बाहर खड़ के सिगरेट पीती, ते फिर उस तो बाद दे विच उसके दिमाग च पता नहीं की आया कि उसने पिस्तौल कट के एक तो बाद एक करके नो फायर किए, जिस तो बाद मौके तो फरार हो गया। तो इन्ने दे विच इलाके दे विच दहशत फैल गई। मौके पर पुलिस पहुंची तो जो सीसीटीवी ने चैक किया तो उस दे विच ए सारा मामला साफ हो गया कि जिस व्यक्ति दे वल्लों या जिस नौजवान दे वल्लों ये फायर किए गए सी, उसने पहला बाहर खड़ के स्मोकिंग की यानी कि सिगरेट पीती, तो फिर उस तो बाद दे विच उसने फायर किए। हालांकि शख्स के बारे पता लगाया जा रहा, पुलिस मौके के उत्ते पहुंची है तो मामला दर्ज कर लिया गया। उत्थे इमीग्रेशन सेंटर के मालिक का कहना है कि आए दिन इलाके दे विच अजिही वारदातां वध रहीयां ने, पर पुलिस दे वल्लों हले तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसका अंजाम यह रहा है कि हुण यह नौजवान आके शरेआम फायरिंग करके मौके तो फरार हो गया, पर हले तक इसे काबू किया नहीं जा सकिया। तो मौके दी तस्वीरां दे विच देखा जा सकता है कि किवें इमीग्रेशन सेंटर के बाहर जो शीशा लग्या होया सी वो चकना चूर हो गया, तो इस दे नाल ही पुलिस भी खड़ी नज़र आ रही है। हालांकि सीसीटीवी दे विच साफ देखा जा सकता है कि जिस नौजवान दे वल्लों यह फायरिंग की गई है वह बाहर खड़ा है, तो पहला वह सिगरेट पी रहा, तो फिर अपने पिस्तौल दे नाल एक तो बाद एक करके कई फायर करके उतों फरार हो जाता है। और ये नए सीएम बनते सार आप देखो जी, ये तो गलत काम हो रहा है जी, सिक्योरिटी है ही नहीं है जी, कुछ लोग तो नुकसान ले ये तो अभी ऐसा हो गया जी, अपना छुपके से अपने घर बैठ के आराम से रहो, काम करने को तो बंदा निकल नहीं सकता बाहर जी। तो थ्रेट वगैरह आया था, धमकी थ्रेट तो पहले तो नहीं आया था, अभी भाई साहब अंदर बैठे हैं थोड़ा, तो अभी देखो जी अभी कोई आई है कह रहे कॉल, ऑडियो कॉल भेजी है उन्होंने कुछ नाम ले, हाँ फायरिंग के बाद उनको मैसेज आया है कोई किस नाम से, राणा राणा जी के नाम से कोई ऐसी कॉल आई है। सेंटर के मालिक कौन है? साहब सिंह है, मेरे ब्रदर हैं और अमरजीत मल्होत्रा हैं, गांव बोडी से हैं। हाँ मैं गांव बोडी से सरपंच हूँ जी। और कितने साल से सेंटर चल रहा है? पाँच छः साल हो गया जी अपना ये काम कर रहे हैं। इमिग्रेशन सेंटर कई संचालक हैं, बहुत से दुकानें हैं यहाँ पर, क्या मांग करते हैं आप लोग? ये इलेक्शन से पहले भी आपने देखा था ये काम बहुत बना हुआ था, ये दोबारा से फिर शुरुआत हो गई है। ये तो मैं तो सीएम साहब को एक बात कहना चाहूँगा जी कि जैसे पहले काम इशू हो रहा था तो इसका बचाव होना चाहिए, जैसे आप तो सीएम हमारा कुरुक्षेत्र लोकल हो गया जी, ये तो उनको भी चुनौती है जी, एक तो सरकार को सीधी चुनौती है कि आप अभी अभी शपथ ली है और अभी अभी ये काम हो गया जी। सारा किसी को धमकी पहले नहीं आई जी कि ये फायरिंग होने के बाद कॉल आई थी, वो भाई ने उठाई नहीं, तो फिर उन्होंने ऑडियो मैसेज भेजा एक भाई अपना फोन उठा ले, मेरा फोन उठा ले, और कोई राणा राणा करके नाम है जी, राणा नाम कैसे नाम ले रहे हैं, कौन है डिमांड, कोई डिमांड है बस फोन उठा ले भाई, छोड़ेंगे नहीं तेरे को, ना रहने दूं ना गांव में रहने दूं, तेरे पीछे लगे हुए हैं ये वो है। पता नहीं लगा राणा के सामने राणा कौन है, पूरा नाम नहीं पता लगा, ऑडियो आई है जी। ऑडियो पहले किसी से दुश्मनी या किसी फिरौती मांग, कोई दुश्मनी भाई साहब, समाज में बैठे हैं जी, कोई लेना देने का। आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। आपके भाई का नाम क्या है? साहब सिंह है जी। साहब कहेंगे किस तरह देखते हैं दूसरी घटना आपके भाई सब? देखना क्या जी, आप सब समझदार हो, अब तो कोई ये काम हो गया कि कोई घर से बाहर निकल नहीं सकता जी, काम करना तो दूर की बात है, अब तो ना कोई अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकता, ना कोई कोई कार ले सकता, ना कोई घर अच्छा बना सकता, साथ के साथ ये कोले आने लगी है जी, करे तो करे क्या बात भी। कब से आपको कोले आ रहे थे? वो ला जी आई अभी तो फायरिंग के बाद आई है। प्रोटेक्शन की कोई मांग? प्रोटेक्शन की वो भाई साहब वो तो ऐसे खड़े थे जी जैसे पता सिक्योरिटी के साथ आए हुए हैं जी, और डर ही नहीं है जी किसी को किसी चीज का। फुटेज में चेहरा जाइए जी, मैं आपको भी रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ जी रिकॉर्डिंग।